नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों पर। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर साइकिल यात्रा का आयोजन। 12 जनवरी 2020 को छात्र और नौजवान सैकड़ों की संख्या में समाजवादी साइकिल यात्रा में होंगे शामिल। साइकिल यात्रा का आरंभ शहीद स्थल काकोरी से होगा, समापन जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में होगा। बहराइच पुलिस कर्मियों ने आर्ची के जन्मदिन पर केक काटकर मनाई खुशियां। पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर। रानीपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने पवन यादव आर्ची के जन्मदिन पर केक काटकर दी बधाई। बहराइच में ईमानदार पुलिस कप्तान की साख पर बट्टा लगा रहे रिश्वतखोर मटेरा चौकी इंचार्ज। बहराइच कोतवाली नानपारा की मटेरा चौकी प्रभारी शिवनाथ यादव का रिश्वत लेते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिना सुविधा शुल्क लिए नहीं सुनते किसी की भी फरियाद। कन्नौज जिले में बड़ा हादसा, बेबर मार्ग पर एक डबल डेकर टूरिस्ट बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। बस और ट्रक बना आग का गोला, धू धू कर जली डबल डेकर टूरिस्ट बस। कई यात्रियों के जलने की खबर। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। गंभीर रूप से घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज किया रेफर। विमल चतुर्वेदी ट्रेवल्स की बस में लगी आग। चंदौली में NH2 के क्षतिग्रस्त पुल के बगल में बन रहे अस्थायी पुल को लेकर अधिकारियों की अहम बैठक। चंदौली DM, SP और बिहार कैमूर जिले के DM की बैठक। कर्नाशा नदी में बन रहे पुल का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। 2 दिन में चंदौली से बिहार के लिए आवागमन शुरू होने की उम्मीद। सीतापुर थाना खैराबाद में थाने में तैनात महिला सिपाही ने गोली मार कर की आत्महत्या। बुलंदशहर की निवासी महिला सिपाही की गोली लगने से मौत। महिला सिपाही शोभा चौधरी ने सरकारी पिस्टल से खुद को मारी गोली। घटना से पूरे पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। थाना अध्यक्ष जिलाधिकारी सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद। सीतापुर में सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन। भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली का शुभारंभ। लोगों को यातायात नियमों के बारे में दी जानकारी। बाइक रैली के दौरान ARTO परनीत सिंह के साथ सैकड़ों लोग हुए शामिल। बाराबंकी में दहेज न देने पर महिला को लटकाया फंदे से। बाराबंकी के दरियाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर का मामला। मृतका कुसमा के परिजनों ने ससुराल वालों को ठहराया मौत का जिम्मेदार। दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी से 3 तलाक का मामला आया सामने। दहेज न मिलने पर दिया 3 तलाक। पीड़िता ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र का मामला। रामपुर जिले की डूंगरपुर आसरा कॉलोनी में फैसल लाला के प्रयास से लोगों को बड़ी राहत। DM की तुरंत एक्शन से लोगों में खुशी की लहर। कॉलोनी में सफाई अभियान शुरू। SP संतोष कुमार मिश्रा ने रामपुर का लिया चार्ज। 14 IPS ट्रांसफर में रामपुर के नए SP संतोष कुमार मिश्रा ने रामपुर पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। पिछले 7 महीने से रामपुर में SP के पद पर तैनात डॉक्टर अजयपाल शर्मा को उन्नाव PDS भेजा गया।